उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट में पेश किया गया है। प्रयागराज के जिला जज की कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सारे सबूत पेश कर रहा है। मुख्तार अंसारी को सुबह 5:15 बजे बांदा से प्रयागराज लाया गया है। मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक बड़ा मामला दर्ज किया गया था। जो डिटेल्स सामने आई है, बांदा जेल से सुबह 5:15 बजे मुख्तार अंसारी को यहां पर लाया गया है और उनके खिलाफ बी वारंट जारी कराया गया है। इस वारंट के तहत मुख्तार अंसारी से पूरी पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में मुख्तार अंसारी के परिवार के तमाम लोगों से भी पूछताछ हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी को कस्टडी रिमांड पर भी लिया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके लिए अर्जी दी है और अदालत अब इस पर पूरी सुनवाई करेगा। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यहाँ पर बड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिला जज की कोर्ट में जिस जगह पर पेशी हो रही है मुख्तार अंसारी की, वहां पर तमाम बड़े पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, जिससे किसी भी तरह की आपत्तिजनक स्थिति ना बने, कोई गलत स्थिति ना बने और मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे और साले से भी पूछताछ हुई है, अब्बास अंसारी से भी पूछताछ की जा चुकी है और अब माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को भी कस्टडी रिमांड में लेकर प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करेगा।